तो गाइज आप सभी को 100% यहाँ पर घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से लोन मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आप सभी को पूरी फुली प्रोसेस करके बताएंगे यहाँ से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, कैसे लोन को अपने अकाउंट में जो कि ट्रांसफर करेंगे, सारा कुछ आप सभी को लाइव प्रोसेस करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम अप्लाई करेंगे, उसके साथ साथ इस पैसे को हम अपने अकाउंट में जो भी ट्रांसफर करेंगे आपको सारा कुछ डिटेल बताएंगे, जिससे आप लोग भी आसानी से लोन ले सकें। यहाँ से इजी प्रोसेस से आप सभी को लोन मिलेगा, घर बैठे इंस्टेंटली आप सभी को लोन मिल जाएगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना, किस तरह से लेना है, इसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना होगा, क्योंकि 100% आप सभी को गाइस यहाँ पर लोन मिलने वाला है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है फिर भी आप सभी को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरह से लेना है, सारा कुछ डिटेल हम जानते हैं। तो सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पर देख पा रहे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस चलिए फाइनली आज का वीडियो हम शुरू कर डिटेल हम जान लेते हैं, जो कि एप्लीकेशन जो कि बिजनेस लोन आप सभी को प्रोवाइड करती है और 100% इंडियन एप्लीकेशन है। RBI रजिस्टर्ड NBFC पार्टनर है, जो कि आप सभी को दिख रहा होगा। गाइस यहां पर आप सभी को बता दूं, जो कि यहां पर लोन आप सभी को 5,000 से लेकर पूरे 50,000 तक की लोन आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 से 28% आप सभी को लगेगा ईयरली होता है। अगर आप जो कि मंथली बेसिस पे आते हैं तो 1.5 से करीबन आप सभी को 2.5% के हिसाब से मंथली बेसिस पे आप सभी को लगता है। जो कि गाइस आप सभी को बता दूं, अगर आपका सिविल स्कोर बैड है फिर भी इंस्टेंटली आप सभी को 10,000 क्रेडिट तो हर हाल में कर ही देगा, ठीक है। तो RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, किसी तरह का आपके साथ डाटा फ्रॉड नहीं किया जा सकता है। जो भी आपको साथ जो भी एक्सेस लेगा, जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा एक्सेस लेगा, तो सारा कुछ सिक्योर रखा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, क्योंकि स्टैंड क्रेडिट आप सभी को लोन मिल जाएगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरी पर्सन है, दोनों कंडीशन में आप सभी को लोन क्या यहाँ पर मिलेगा। सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों कंडीशन में आप सभी को लोन मिलेगा। और पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से आप सभी को ओनली यहाँ पर दिया गया है, पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से आप सभी को लोन यहाँ पर मिलने वाला। एक्स्ट्रा किसी तरह का डॉक्यूमेंट यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, इनकम प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से आप सभी को लोन यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको कैसे अप्लाई करना हम डिटेल में बताएंगे। फॉर एग्जांपल में भी बताया गया, अगर 30,000 आप सभी का लोन अप्रूवल हो जाता है, अगर 12 महीने के लिए आप सभी टाइमिंग लेते हैं इस पैसे को रीपेमेंट करने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे देख सकते हैं 18% के हिसाब से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अगर मंथली बेसिस पे आते हैं तो आप सभी को 1.5 रुपये के हिसाब से पड़ रहा है। और गाइस यहाँ पर प्रोसेसिंग फी और बताते चलो, प्रोसेसिंग फी आप सभी को 2.5% के हिसाब से 750 रुपये प्रोसेसिंग फी लग रहा है। और टोटल इंटरेस्ट आप सभी को पे करना पड़ रहा है, जैसे कि आप सभी को बता दूँ 3,500 रुपये टोटल इंटरेस्ट लग रहा है। और प्रत्येक महीना EMI आपके अकाउंट से जो कि डेबिट होने वाला 2750 रुपया प्रत्येक महीना आपके अकाउंट से जो कि डेबिट होगा, ठीक है। और आपको बताते चलो, यह आपके अकाउंट में जो कि 30,000 लोन आपका अप्रूवल हो जाता है, जिसमें से आपके अकाउंट में 29,250 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा, 750 रुपये ये माइनस कर लेता है जो भी प्रोसेसिंग फी होता है। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। और बताते चलो मिनिमम इनकम 12,000 होना चाहिए, ठीक है। 12,000 प्लस दीजिएगा जब भी आप टाइप करिएगा। चलिए इस प्रोसेस को फुली हम कंप्लीट करते हैं। इसके लिए सिंपल सा गाइस क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग सिंपल से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने का सिंपल से गाइज ओपन करेंगे, जैसे गाइज ओपन करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग होगा, जैसे कि आप सभी को बताते चलो यहाँ से कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपको बीच ओपन होकर आ जाएगा। गाइज यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलफिल कर देना, चलिए इस मोबाइल नंबर को फिलफिल करके नंबर पर OTP आएगा, हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे गाइज नंबर पर OTP जैसे कि आप वेरिफिकेशन कर देंगे, देन गाइज कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपके बीच ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर SMS का लोकेशन का सारा कुछ का आप सभी को एक्सेस लेना होगा। रीड एंड शिफ्ट वाले पर क्लिक कर देना है, सारे पर गाइज अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का डिस्प्ले आप सभी को बीच ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस देन गाइस उसके बाद कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपके बीच ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर 3 स्टेप में आप सभी को लोन अप्रूवल होगा। यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पहले में चेक करना है, दूसरा में अपलोड KYC करना है, तीसरा में गेट मनी जो कि अकाउंट जो कि ट्रांसफर करना है। तो चलिए पहला स्टेप जो कि हम कंप्लीट कर लें, इसके लिए सिंपल सा चेक एलिजिबिलिटी वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस चेक एलिजिबिलिटी वाले पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर बेसिक डिटेल आप सभी को फिलफिल करना होगा, जिसमें आपको पहले पैन कार्ड नंबर आप सभी को टाइप करना है। उसके बाद जो भी आपका नाम हो पैन कार्ड पर जो भी नाम हो टाइप कर देना है, जो भी पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पर नाम लिया जाता है पैन कार्ड पर नाम टाइप कर देंगे, मेल या फीमेल जो कि अपने हिसाब से सिलेक्टेड कर लेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ जो कि सिलेक्टेड कर लेंगे। उसके बाद आप सभी को बताया जाएगा जो कि आपको किस पर्पज़ से लोन ले रहे हैं अपने हिसाब से सिलेक्टेड कर लेंगे। यहाँ पर जो कि फैमिली मेदर्स में किसका नाम दे रहे हैं, जो कि फादर्स का नाम दे रहे हैं, मदर्स का नाम दे रहे हैं, अपने वाइफ का नाम दे रहे हैं। अगर बताते चलो अगर आप जैसे कि अनमैरिड है, ठीक है, तो अनमैरिड हो जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा कि अपने फादर्स का नाम देंगे। फादर्स वाले पर क्लिक करके फादर्स का नाम टाइप करेंगे, नीचे टर्म कंडीशन को सेव करना है, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस प्रोसेस को फुली गाइस हम कंप्लीट करते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं। उस पर बढ़ते तो गाइस
यहाँ पर केवाईसी करना होगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट को जैसे मैं आपको बोला मात्र 3 स्टेप में आप सभी को लोन अप्रूवल होगा, तो मात्र 3 स्टेप जो भी मैं प्रोसेस कर देता हूँ ठीक। इसके लिए क्या करना होगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट करना होगा, जनरेट ई आधार जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, जनरेट ई आधार में होता होगा कि अगर अपने मोबाइल में पहले से डिजी लॉकर डाउनलोड कर रखा है इस पर क्लिक कर दे तो ऑटोमेटिक डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डिजी लॉकर नहीं बना रखा है, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आ जाए तो जनरेट जो कि आधार जैसे इस पर क्लिक करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को टाइप कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक सारा कुछ एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, नहीं आपने डिजी लॉकर बनाया नहीं, आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर आया जाए इसके लिए अपलोड आधार जैसे देख सकते हैं, तो आप सभी को ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, इसका क्लियर जो कि आप जो भी पिक्चर कैप्चर करेंगे उसमें क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है क्योंकि क्लियर पिक्चर यहाँ पर दिया गया है ठीक है, तो आप मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। सिंपल सा गाइस क्या करना है, अपलोड जो कि आधार वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, तो मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो जो कि जनरेट ई आधार वाले पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि सारा कुछ वहाँ पर डिटेल दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना, जिस बैंक अकाउंट में जो कि आप पैसा जो कि प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो कि हम यहाँ पर एक्सिस बैंक का देंगे, जो कि मेरे पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है, आप सभी को दिखा भी दूंगा क्योंकि आप सभी को लाइव प्रोसेस करके ही दिखा रहा हूँ, तो इससे लाइव सारा कुछ डिटेल दिखा देंगे। तो मेरे पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है, तो एक्सिस बैंक का हमने IFSC कोड टाइप करेंगे ठीक है। यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट नंबर जो कि टाइप करना, जिस बैंक अकाउंट में जो कि हम पैसा लेना चाहते हैं, यानी कि एक्सिस बैंक हमने जो कि सिलेक्टेड किया, तो एक्सिस बैंक में जो कि हम अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, अकाउंट होल्डर नाम यहाँ पर जो कि मांग रहा है, तो जिस नाम से आपने लोन अप्लाई किया सेम नाम से देंगे तो तब जाकर लोन मिलेगा, अदरवाइज लोन अप्रूवल होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा, चीज़ जान लीजिएगा। तो सिंपल सा गाइस यहाँ पर अकाउंट होल्डर नाम टाइप करेंगे, यहाँ पर हम जो कि सेविंग है करेंट है जो कि आप सभी को सिलेक्टेड कर लेना, उसके बाद कुछ इस तरह का डिटेल आ जाएगा, जो जैसे आप IFSC कोड टाइप करेंगे यहाँ पर डिटेल आ जाएगा, जस्ट नीचे टर्म कंडीशन एक्सेप्टेड करना, जस्ट गाइस आगे बढ़ जाना है। इनका जैसे ही प्रोसेस करेंगे यहाँ पर कैंग्रेचुलेशन का SMS आ जाएगा, जो कि बताते चलिए यहाँ से 24 घंटे के अंदर यह पैसा आपके अकाउंट में जो कि गाइज ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो गाइज हमने बताया स्टेप बाय स्टेप आप सभी को आसानी से यहाँ से लोन मिल जाएगा ठीक है। अगर आपको लोन अगर बताते चलो गाइज आप सभी को बताते चलो यहाँ से लोन अप्लाई हो जाता है, उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर होम पेज का जो कि ऑप्शन आ जाता है, सिंपल सा गाइज इस पर क्लिक कर देंगे तो आप सभी को होम पर ले आएगा ठीक है। आपको बताते चलो यहाँ से 100% इस तरह से आसान प्रोसेस से मात्र 3 स्टेप में आप सभी को लोन मिल जाता है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से आसानी से लोन मिलता है। सिंपल सा गाइज चलिए हम होम वाले पर क्लिक कर देते हैं। अगर जैसे गाइज आपको सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा, अगर आपके अकाउंट जो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो सपोर्ट वाले जो कि ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, माय अकाउंट में जैसे आएंगे यहाँ पर गेट सपोर्टर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर कॉल यूज के लिए भी दिया गया है ठीक है, और मेल यूज भी आप सभी को लोग कर सकते हैं, लाइव चैट भी कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट भी करके यहाँ से जो कि अपना सपोर्ट जो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को बता दूँ यहाँ से प्रॉपर सारा कुछ RBI से क्योंकि रजिस्टर्ड है, तो RBI के गाइडलाइन के जो भी चीज़ होता है उसके अंदर ये एप्लीकेशन वर्क करती है, तो आपको जो भी सपोर्टेड होगा 100% यहाँ से मिलेगा और इंस्टेंटली आप सभी को लोन भी मिल जाता है। मात्र 5 मिनट में यह पैसा आपके अकाउंट में जो कि गाइस ट्रांसफर करने का प्रोसेस होता है, लेकिन बताते चलो यहाँ पर वर्किंग टाइम जो कि 24 आवर जो कि लिख रहा है, तो बताते चलो लेकिन आपका सारा कुछ अप्रूवल 5 मिनट में आ जाएगा, उसके बाद आपको बताते चलो 1 से 2 घंटा में यह पैसा आपके अकाउंट में जो कि गाइस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सपोर्ट चाहिए तो यहाँ से सपोर्ट भी ले सकते। तो गाइस मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन कर बताइएगा, इस जो भी एप्लीकेशन इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग क्विकली लोन ले सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।